तो सर जो ये ट्रैक्टर है ये तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि कई किसान भाइयों को डिमांड होती है रेता बजरी की दुकान खोलने की, और उसके बाद ट्रैक्टर खरीदने के बाद उसको लोडर भी लगवाना पड़ता है। ये आप लोडर वाला ट्रैक्टर लेके आए उनके? हाँ जी, ये लोडर समेत ट्रैक्टर है जी। अच्छा, 2021 मॉडल है। अच्छा, कंपनी का लोडर है, आईसर 333 डबल क्लास पावर स्टीयरिंग। अच्छा जी, क्या बात है, 5 लाख रुपए का दे देंगे जी लोडर समेत। अच्छा, लोडर समेत 5 लाख रुपए का मिलेगा ये ट्रैक्टर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वाह जी वाह। बाकी देख सकते हो लोडर लगा हुआ है जी, हैवी ड्यूटी लोडर लगा है, RJMT वालों का लोडर लगा हुआ है। बाकी बैक साइड से मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखो पीछे भी ढोल लगा हुआ है। बाकी ट्रैक्टर साफ है बिल्कुल, पावर स्टेयरिंग के साथ है ये ट्रैक्टर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, साफ ट्रैक्टर है। आईशर 333 जो किसान भाई लोडर का काम करना चाहते हैं उनके लिए ट्रैक्टर जबरदस्त है जी। और सर जो आगे है महिंद्रा 265 21 मॉडल। अच्छा, ये 12-6 के टायरों में है, 12-6 के, 4 लाख रुपए का ट्रैक्टर दे देंगे। अच्छा, कौन सा मॉडल है जी? 2021 मॉडल। 2021 मॉडल, चार कितने का? 4 लाख रुपए का दे देंगे। 4 लाख, पूरे 4 लाख रुपए का 265 21 मॉडल ट्रैक्टर बिल्कुल साफ कंडीशन में आपको मिल जाएगा जी, ये देखो आप। बाकी कोई जो भी छतरी लगी है साथ में दोगे? हाँ, सब साथ में। अच्छा जी, तो आगे जो सा ट्रैक्टर है कई किसान भाइयों की डिमांड होती है अभी, महिंद्रा 585। सर ये जो मॉडल है ये कितना है? ये 2020 मॉडल है। अच्छा, महिंद्रा 585, हरियाणा नंबर, लोन क्लियर। अच्छा, ये ट्रैक्टर 4,80,000 रुपए का दे देंगे। 4,80,000 रुपए में 585 DI पावर प्लस के साथ भूमि पुत्र ये ट्रैक्टर है, बिल्कुल साफ कंडीशन में है। महिंद्रा के जितने भी ट्रैक्टर हैं रणबीर भाई साहब के पास बहुत ही साफ ट्रैक्टर हैं, दूसरे पे है तो हैं पर जो महिंद्रा के ट्रैक्टर साफ है ना यहाँ पे बहुत ही साफ कंडीशन में है। और आगे सर ये जो 3630 है, ये न्यू लैंड 3630 2007 मॉडल पावर स्टीयरिंग। अच्छा, ये 3 लाख रुपए का दे देंगे। 3 लाख रुपए का, कौन सा मॉडल है जी? 2007 मॉडल। 2007 मॉडल 3 लाख रुपए का ये ट्रैक्टर मिलेगा जी आपको। 85 पैसे पक्के टायर, बिल्कुल 85 पैसे टायर है, फ्रंट वाले भी देख लो ये भी 85 पैसे हैं। बाकी ट्रैक्टर है जी हाई लोम गियर में है, साइड गियर में है। और कितने घंटे चला है सर ये? घंटे तो 2,200 घंटे चला हुआ। ठीक है जी, ठीक है। तो आगे ट्रैक्टर लेके आए हैं जी बिल्कुल साफ कंडीशन में, सभी ट्रैक्टरों से साफ कंडीशन में है और बिल्कुल कम चला हुआ, बिल्कुल नए टायरों में। सर ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है? ये 2022 मॉडल है। अच्छा, में 7735। हाँ जी, ये बिल्कुल 0 मीटर ट्रैक्टर है, 100-150 घंटे चला हुआ है। अच्छा, नए का नया ट्रैक्टर है, 4,60,000 रुपए का देते। 7735 ये 2022 मॉडल ट्रैक्टर है जी, बिल्कुल 100-150 घंटे चला हुआ है। तकरीबन 100-150 घंटे वाला ट्रैक्टर तो ऐसे समझा जाता है कि नया ही ट्रैक्टर है, 0 मीटर ही है, बिल्कुल साफ कंडीशन में है। जो किसान भाई 35 HP का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है जी। सोनाली का 35 को भी मात देता है ये ट्रैक्टर, क्योंकि इसकी डीजल की खपत बहुत ही कम है। बाकी ये देखो आप कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल साफ ट्रैक्टर है। सर ये कितने में कहा, कितने में छोड़ दोगे? 4,60,000 रुपए का। 4,60,000 रुपए में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा जी। वैसे यदि सर नए की बात करें तो नए का रेट क्या है इसका? नए का रेट 6+ है। अच्छा, 6 लाख+ है इसका रेट। हाँ जी। और ये आपको 4,50,000-4,60,000 रुपए में अवेलेबल हो रहा है जी। और जो किसान भाई पुराना ट्रैक्टर और भी पुराना लेना चाहते हैं, सस्ते रेंज में लेना चाहते हैं, उनके लिए स्वराज 744 कौन सा मॉडल है? 2002 मॉडल है। अच्छा, 1,30,000 रुपए। 1,30,000 रुपए का डबल क्लच। कोई किसान भाई लाख रुपया लगाना चाहता है उनके लिए ट्रैक्टर है जी। और आगे ये 605, ये अर्जुन 605 2013 मॉडल। अच्छा, ये 3.25 लाख रुपए का दे देंगे, करनाल नंबर, लोन क्लियर। अच्छा, करनाल नंबर है, 3.25 लाखरुपये में मिल जाएगा। हाँ जी, अगले 80 पैसे टायर है, पिछले 45 पैसे। बिल्कुल। तो जैसे हम बात करें सोनालिका की, ये सोनालिका 2015 मॉडल है। अच्छा, ये 3,40,000 रुपए का दे देंगे, पावर स्टीयरिंग। 2015 मॉडल है। हाँ जी, पावर स्टीयरिंग के साथ है जी, साइड गियरों में है। और ये कितने का कहा सर? 3,40,000 रुपए का। 3,40,000 रुपए में ये ट्रैक्टर सोनालिका DI 750 3 मॉडल ये आपको मिल जाएगा जी। 2015 मॉडल है ये ट्रैक्टर। तो सर जैसे हम बात करें जो किसान भाई नज़दीक से भी हैं करनाल कैथल डिस्ट्रिक्ट से, तो उनके लिए ये जैसे कई किसानों भाइयों के पास पैसा नहीं होता, उनके लिए कोई लोन वगैरह की सुविधा है आपके पास? उनके लिए लोन की सुविधा है जी। अच्छा, हम हर सभी बैंकों से लोन करवा देते हैं। अच्छा, कोटक से, इंडस से, TVS से, गोगटा से, जिस भी बैंक से कस्टमर बोलेगा उसी बैंक से हम लोन करवा जैसे देते किसान हैं। भाई की प्रोफाइल होगी उस मुताबिक। हाँ जी, हाँ जी, लोन की सुविधा पूरी है जी। अच्छा जी, इंटरेस्ट भी कम है? हाँ, इंटरेस्ट भी कम है जी। वाह जी वाह, क्या बात है। तो सर जैसे हम बात करें, कई किसान भाई बाहर से भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, यूपी से भी आपको फ़ोन आते होंगे। हाँ जी। तो वो कैसे, कहाँ, कौन सी लोकेशन है अपनी, वो एक बार ज़रूर बताएं। ये हमारी करनाल से कैथल रोड। अच्छा जी,
करनाल से 30 किलोमीटर, कैथल से 22 किलोमीटर जी, और एनएच 152 डी से 4 किलोमीटर पे। अच्छा, करनाल से कैथल मेन रोड पे, ये मेन हाईवे स्टेट हाईवे पे हमारा अरसीना गांव है जी, यहाँ मिलन मैरिज पैलेस, इसके पास हमारा ट्रैक्टरों का शोरूम है जी। तो देख सकते हो ये जो जीटी रोड है ना, कैथल करनाल वाला जीटी रोड है, और ये उस साइड मिलन पैलेस है, इसके बिल्कुल जड़ में साथ में अरसीना ट्रैक्टर, जो रणबीर भाई साहब का ये अरसीना ट्रैक्टर मंडी है, उनके नाम से जाना जाता है। किसी को भी रसीना में आके पूछ लेना कि रणबीर भाई साहब के पास जाना है, जो पैलेस के साथ में जिनका ट्रैक्टरों का काम है सेल परचेज का। तो सर जितने भी जो भी रेट आपने ट्रैक्टर के बताए हैं, कोई किसान भाई यदि आएगा तो कम रेट हो जाएंगे? हाँ, थोड़ा बहुत कम बत्ती हो जाते हैं, कोई बात। अच्छा, बाकी मौके पे कर लेंगे, बाकी मौके पे थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो जो फोन करने का टाइम है वो क्या है भैया? इस बात के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, इससे हम पीछे भी बहुत परेशान थे। अच्छा जी, प्लीज 9 से 5 ही फोन करें। तो भाई साहब की जो लोकेशन है वो है जी करनाल कैथल जीटी रोड पे, ये जीटी रोड जाता है जी, इसके ऊपर रणबीर ट्रैक्टर एजेंसी है, वहाँ पे आप आके ट्रैक्टर खरीद सकते हैं भाई साहब के पास। ट्राली वगैरह भी अवेलेबल हैं, जो जैसे रीपर वगैरह आप देख सकते हो वो भी अवेलेबल है, ट्राली भी अवेलेबल है। आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं भी कौन सा ट्रैक्टर लेना है, क्या चीज़ चाहिए आपको, वो आपको अवेलेबल करा के दे देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर भाई साहब आपका, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही शानदार जो ट्रैक्टर हैं आज वीडियो में बताए हैं। तो नए से नए ट्रैक्टर और भी लेके आएंगे किसान भाइयों। तो ये है जी किसान भाइयों आज आपके लिए वीडियो, जिसमें आपको पुराने ट्रैक्टर दिखाए गए हैं, और नीचे नंबर चल रहा है भाई साहब का, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, किसी किसान भाई ने लेना हो तो वहाँ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि नई से नई वीडियो और भी लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों।